बसमिलकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम मिसिस नाजमादर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन दुबई महल रोड बहावल आई एम प्रजेंटिंग माई लेक्चर फॉर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इंग्लिश कम्पल्सरी अमेन हु वॉज अ हॉस्पिटल एस नंबर सिक्स रिटन बाय जहरोम के जहरोम मुखसर तारफ़ पेश करती हूँ अबाउट द राइटर बेस्ट नोन एज अरस्ट एस ए राइटर अ ग्रेट नावलिस्ट ही रोट फेमस नावल थ्री मैन इन अबोट थ्री मैन इन अबोट इज़ अ वेरी फेमस नावल आल अराउंड द वर्ल्ड एंड डर स्टूडेंट्स द हंड्रेड ग्रेट नावल ऑफ ऑल टाइम में इसको शामिल किया गया है इट इज़ वन ऑफ द फनीएस्ट एस एफ द राइटर आई विल गिव यू द बैक ग्राउंड ऑफ़ द एस ए माई डर स्टूडेंट्स ये जो आपका एस ए है इट इज़ एक्स्ट्रैक्ट फ्राम द थ्री मैन इन अ बोर्ड इसमें असल में ये एक सफ़र नामा है जो दुनिया की कई जबानों में ट्रांसलेट हो चुका है और ख़ास और अहम तरीन बात इस सफ़रनामे में ये है कि राइटर ने ख़ुद अपने आप को मज़ाक का निशाना बनाया है ना कि किसी की ज़ात को निशाना बनाया और कोशिश की है कि पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं वो इसे पुरलुफ़ तरीके से पढ़ सकें कि उसकी ज़ात किस तरह से उनके सामने पेश की जाए पेश की गई है आई विल एक्सप्लेन दिस एसे इन सच अ वे दैट यू क्यूड अंडरस्टैंड ईज़िली द एसे एंड द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अ मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्राम द थ्री मैन इन अ बोट थ्री मैन इन अ बोट में तीन दोस्त होते हैं जो अपनी सेहत के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं हाइपोकड्रिया एक बीमारी होती है जो इन तीनों को इकट्ठे लाख होती है ओवर स्ट्रेस और टेंशन की वजह से वो गैर ज़रूरी तौर पर अपनी सेहत के बारे में तश्वीश में मुबला हुए हुए थे एंड देड दैट दे नीड हॉलीडेज दे प्लान अ ट्रिप ट्रिप इज थ्री डेज बोटिंग ट्रिप ऑफ टेम्स रिवर यहाँ से कहा नावल की कहानी का आगाज होता है सबसे पहले जे के जैरोम अपने दोस्तों को अपने बारे में बताता है माई लीवर वॉस आउट ऑफ वाटर मेरा जो लीवर है वो खराब हो गया अपे अपेटेंट लीवर पिल सर्कुलर कहता है कि मैंने एक लीवर पिल के इश्तहार को उठाया जिसमें दिवाई के साथ जो एक उसका इश्तिहार मौजूद था जिसके ऊपर वो कहता है कि बीमारी की तमाम अलामत लिखी हुई थी जब मैंने उन अलामत का मायन किया पढ़ा तो मुझे लगा तमाम अलामत जो हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं और सबसे पहले जो है उसे लगा कि उसके उसे हे फेवर की हल्की हल्की तकलीफ थी जिसे बीमारी कहते हैं एलमेंट और उसने डिसाइड किया कि मैं इस एल, अपनी इस बीमारी को तश्ीस के लिए आ प्लान टू आ विजिट ब्रिटिश म्यूजियम जब वो ब्रिटिश म्यूजियम में गया वो कहता है ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे वंस ही थॉट दैट ही हैड जस्ट अ टच ऑफ द ही फेवर ही वेंट देयर टू रीड अप इट्स ट्रीटमेंट इन द लाइब्रेरी आफ्टर रीडिंग द कंसर्न पेजेस ही स्टार्ट टर्निंग अदर पेजेस एज वेल वट एवर द पेजिज विफोर हिम द सेमस्टर्म्स ऑफ द डिजीजिज वर फाउंड इन हिम ही सेट फॉर अ वाइल्ड फ्रोजन विद हॉरर दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्राम दोज डिजीजेज विदाउट नोइंग दैम फिर उसने प्लान किया कि वो अगले पेजेस को भी पढ़ेगा और तसली से उसे चेक करेगा कि उसके अंदर और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं ही ट्राई टू स्टडीज नेक्स्ट पेजस ही केम टू नो दैट ऑल द डिजीज आर फाउंड इन हिम फर्स्ट ऑफ ऑल ही केम टू नो अबाउट टाइफाइड फ़ीवर उसे लगा कि टाइफाइड फ़ीवर की जितनी भी सिम्टम मौजूद हैं वो भी उसके अंदर पाई जाती हैं और और उसे लगा कि कई महीनों से वो इस बीमारी में मुबतला है नेक्स्ट जो है उसने देखा सेंट वाइटस डैंस ये एक बीमारी है जिसमें कप कपाहट की बीमारी कहते हैं कहता हैं मुझे लगा कि ये बीमारी भी मेरे अंदर मौजूद है इसको देखते ही वो अपनी ज़ात में और ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता है और उसने इरादा कर लिया कि अब वो ए टू जी जितनी भी बीमारियां यहाँ पर दर्ज हैं इस किताब में वो उन सब का मुआन करेगा अल्फ़ाबेटिकली चलते हुए वो अगली बीमारी पड़ता है ब्राइट्स डिज़ीज़ यानी गुर्दों की बीमारी होती है उसे बड़ा इतमान होता है कि या भाई इसके अंदर भी जितनी भी डेंजरस सिस्टम्स नज़र आ रही थी वो तमाम उसके अंदर पाई जा रही थीं लेकिन उसे इस बात की तसली हुई कि अभी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद हाँ तक उसके अंदर मौजूद नहीं थी वो इसके साथ कई इस साल तक ज़िंदा रह सकता है प्रीमानटरी सिस्टम्स जो थी वो सारी चेक कर लेता था वो हर बीमारी में अपने अंदर उसके बाद वो नेक्स्ट जाता है टिपैथीरिया उससे पहले हम राइट्स डिजीज़ पढ़ा अभी हमने जी अब हम पढ़ते हैं कॉलरा कॉलरा के बारे में वो पढ़ते हैं कॉलरा जो है वो हैजे की बीमारी है उसे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और स्वेयर पोजीशन में उसकी बॉडी में है और वो अक्सर इसका शिकार रहता है और ये बीमारी भी उसके अंदर पाई जाती है फिर डिफैक्थेरिया ये खुंदनाक की बीमारी है वो कहता है कि आई सीम्स टू हैव बीन बॉन विद मुझे लगता है कि मैं जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में पढ़ रहा हूँ तो कहता है मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी के साथ ही पैदा हुआ हूँ अगली बीमारी जो वो डिस्कस करता है अब राइटर वो है गाउट कहता है कि ये जोड़ों के दर्द की इंतहाई खतरनाक बीमारी है और लगता है कि किसी खतरनाक स्टेज पर जो है वो मेरे अंदर मौजूद है नेक्स्ट अल्फाबेटिकली तमाम बीमारियों की स्टडी करता रहता है अब लास्ट जो बीमारी को उन्होंने जाहिर किया है आपके सामने वो है जैमोसिस ये आखिरी बीमारी थी जिसे फॉरगेटफुलनेस नसी की बीमारी कहते हैं उसे लगता है ये इस बीमारी का लड़कपन से शिकार है इसके बाद डेफिनेटली जो है वो फिलहाल ख़त्म हो गई लेकिन उस दौरान उसने एक बीमारी ऐसी देखी जिसका नाम था हाउस नी वाई दिस इन वीडियस रिजर्वेशन उसने कहा कि ये क्या हुआ कि मेरे अंदर ये बीमारी क्यों मौजूद नहीं है आई ग्रू लेस सेल्फिश थोड़ा सा आप आपको लेस सेल्फिश किया यानी खुदगर्जी पर काबू पाया इस बीमारी के बगैर ही चलो गुज़ारा कर लेता हूँ डिटर्मिन टू डू विदाउट हाउस मेट्स नी उसने कहा कोई बात नहीं इसके बीमारी के बगैर ही फैसला कर लेता हूँ कि बाकी तो इतनी सारी बीमारियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं एक हाउस मेड नी जो है वो हाउस मेट्स नी जो है वो मेरे अंदर नहीं है अब उसने तिब्बी नुक़ नज़र से जब अपने आप में दिलचस्पी ली अपने आप का मुआयना किया तो उसे ऐसे लगा आई वॉज़ अस्पिटल माई सेल्फ उसने कहा मैं तो अपने आप में अगर देखूँ तो मुकम्मल तौर पर हस्पताल की सूरत तो अख्तियार तो कर गया हूँ फिर से लगता है कि एन एक्विजिशन टू अ मेडिकल क्लास कि मैं मेडिकल क्लास के लिए एक बहुत अल किस्म की एक्विजिशन हो सकता हूँ वो मुझे पढ़ने के बाद वो बहुत सारा इल मेरी जात से हासिल कर सकते हैं दे कुड वॉक अराउंड मी टू टेक देयर डिप्लोमा यानी मेरी ज़ात का मुताला करके मेरी जात से तमाम बीमारियों की अलामत को स्टडी करके उन्हें एम बी बी एस या बड़ी डिग्रियाँ हासिल करने की ज़रूरत नहीं है वो मेरे से ही अपना डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने फिर फ़ैसला किया कि आई शुड एग्ज़ामिन माई सेल्फ कि मैं अपनी जात का मुआयना करूँ तो उसने मिजाज का मुआयना किया फ़र्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राई टू फेल्ट माय पल्स उसने अपनी पल्स जो है वो ट्राई करने की कोशिश की तो क्या देखता है कि उसकी जो पल्स है उसे वो नहीं मिल पल्स मिल जाती है लेकिन बहुत तेज़ रफ्तारी से वो जो है वो जा रही होती है वो बहुत परेशान होता है कि काउंट करता है अपनी घड़ी निकालता है तो इट वॉज़ वन फोटी सेवन जबकि अमूमी तौर पर वन ट्वेंटी होती है तो वो कहता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रही है जल रही है उसकी नब्स तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसके बाद सोचता है कि अब मुझे अपना दिल चेक करना चाहिए कि मेरा दिल भी चल रहा है कि नहीं चल रहा कहता है आई ट्राई टू फील माई हार्ट आई कुड नॉट फील माई हार्ट स्टॉप इट हैड स्टॉप बीटिंग उसने कहा कि मुझे लगता है आई कुड नॉट माई हार्ट कि मेरा जो दिल है वो मुझे मिला ही नहीं इट हैड स्टॉप बीटिंग फिर वो सिर्फ तलाश करने की कोशिश होता है आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रेंड माई वेस्ट अप टू my head तो कहते हैं मैंने अपनी तमाम छाती सीने से लेकर सारे सर तक अपना दिल तलाश करने की कोशिश की वो नहीं लगा और वो नहीं मिला और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल जो है उसने धड़कना बंद कर दिया है वो लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कहीं ना कहीं होगा ज़रूर वहाँ थोड़ा सा मजाक क्रिएट करने की कोशिश करता है सूरत हाल को एग्ज करता है कि मैं अगर ज़िंदा हूँ तो दिल धड़क रहा है काम कर रहा होगा फिर वह क्या करता है ट्राई टू लिकट माई टंग फिर अपनी रंग जो है उसको देखता है और जितनी ज़ुबान वो बाहर निकाल सकता है वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकालता है फिर अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख से ज़ुबान को आ, उसकी जो टिप होती है उसको देखता है तो वो रेड नज़र आती है उसे लगता है कि इस टिप जो है वो रेड है तो डेफ़िनेटली मुझे जो है वो स्कारलेट फीवर जो सुर्ख बुखार होता है वो हो चुका है और इसमें मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और मैं इसमें मुबतला हो चुका हूँ अब वो सोचता है कि इतने सारे हालात ख़राब हो गए हैं हॉस्पिटल भी बन चुका हूँ अब मुझे डेफिनेटली कुछ सीरियस नोट पर काम करना चाहिए मुझे विजिट टू मेडिकल मैन आई वेंट टू मेडिकल मैन ही इज़ एन ओल्ड चैम ऑफ फाइन यानी कि वो अपने मेडिकल मैन से मुराद है यहाँ डॉक्टर के पास जाता है वो उसका पुराना दोस्त होता है और जाके उसको बताता है कि आज तुम्हें प्रैक्टिस का बहुत आला मौका मिला है सेवनटीन हंड्रेड ऑफ ऑर्डनरी कॉमन प्लेस पेशेंट से जो तुम्हें मालूम हासिल होती हैं या प्रैक्टिस हासिल होती है वो मुझ अकेले पर आज आपको मिल सकती है मैं मुकम्मल तौर पर एक हॉस्पिटल हूँ और बेशुमार बीमारियाँ मुझे लाक हैं इवन वो डिस्क्राइब करता है उसको इस में कि कौन सी बीमारी है जो मेरे अंदर नहीं है अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी तुम दुनिया से चले जाओगे और तुम्हें पता चल चलता रहेगा कि मुझे कौन सी बीमारियाँ हैं फिर उसे बताता है कि मुझे तमाम बीमारियों में मैं मुबतला हूँ फिर कहता है वट इज़ नॉट द मैटर विद मी आई हाउस मेडज नी एवरी थिंग एल्स है आई हैव गॉट वो कहते हैं नोट कीजिए वट इज नॉट द मैटर विद मी कौन सा मामला मेरे साथ नहीं है हाउस नी एवरीथिंग एल्स हाईवर आई हैव कॉट ये हाउस मेड नी के अलावा जितनी भी बीमारियाँ भी हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं अब दोस्त जो उसका होता है वो समझ जाता है सारा मसला कि ओवर कॉन्शियस तो पहले ही था अपनी हेल्थ के बारे में फिर वो उसका मुआयना करता है ही हिट ओवर द चेस्ट ब्यूटिड मी विद द साइड ऑफ़ हिज हेड उसके उसका मुआना करता है उसके सीने पे हाथ मारता है अपने सर की टक्कर भी थोड़े से साथ लगाता है शायद वो आ, राइटर को रिलैक्स करना चाहता है लेकिन राइटर को उसकी ये शरारत अच्छी नहीं लगी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया अब उसे पता चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है बीमार है वो उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है और प्रिस्क्रिप्शन उसको हैंड ओवर करता है कि ये ले लो अब राइटर क्या करता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है बगैर पढ़े ही अपने हाथ में ले लेता है और केमिस्ट की दुकान पर चला जाता है जब वो सेल केमिस्ट के पास जाता है जहाँ वह सेल मैन को पकड़ाता है वो जो सेल्स मैन होता है वो कहता है आई डू नॉट हैव इट कॉपरेटिव स्टोर प्लस फैमिली होटल ये आपकी अपने जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाई है मैं सॉरी इसको मेरे पास ये नहीं है ये कोई कॉपरेटिव होटल कोपरेटिव स्टोर वाले और फैमिली होटल वाले इसको एडजस्ट कर सकते हैं राइटर ने दरअसल वो नुस्खा जो है वो खुद खोल देखा नहीं होता अब वो क्या करता है कि नुस्खा जब खोल कर देखता है तो नुस्खे को पढ़ता है लिखता होता है कि वन पाउंड बीफ स्टेक बीफ स्टेक एवरी सिक्स आर टेन माइल वॉक एवरी मॉर्निंग बेड एट एलेवन शार्प एवरी नाइट एंड डोंट स्टफ़ योर हैड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड वो लिखा होता है कि हर छः घंटे के बाद एक पाउंड गाय का गोश्त खाइए दस मील सुबह की सैर कीजिए रात को ठीक ग्यारह बजे सोना है और अपने जहन को ऐसी चीज़ों से पाक रखना है जिनकी आपको समझ नहीं आती माई डियर स्टूडेंट्स इन द एंड लाइन जो है यू डोंट एंड लाइन्स में जो लिखता है आई फॉलो द डायरेक्शंस विद द हैप्पी रिजल्ट माई लाइफ वाज प्रिजर्व एंड स्टिल गोइंग ऑन वो कहता है कि मैंने उसकी तमाम हदायात पर अमल किया और बेहतरीन खुशगवार नतज सामने मरतब हुए मेरी ज़िंदगी जो है वो बच गई और अच्छी सी गुजर रही है अगर आप नोटिस करें तो बहुत बेहतरीन अंदाज में जो राइटर है उसने अपने ऐसे को रैप अप किया है द राइटर एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस एंड लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंड सटिस्फाइड लाइफ ही सेट दैट इट इज़ इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू फॉलो दिस दिस इंस्ट्रक्शंस वो कहता है कि अपने आप को एक उसने मैसेज दिया है अपने जात के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को अपने पढ़ने वाले रीडर्स को कि अपने जहन में ऐसी चीज़ों से पाक रखना चाहिए जिसको आपको समझ नहीं आती यानी जो लास्ट लाइन्स हैं उनमें जो वो कहता है इवन के नुस्खे पर जो लास्ट लाइन आप देखिए यू डू नॉट अंडरस्टैंड यानी डोंट स्टाफ यूर हर्ट यू डू नॉट अंडरस्टैंड यानी कि हम जो चीज़ नहीं समझ सकते उन्हें उस पर हमें ज़्यादा असर नहीं खबाना चाहिए अपनी ज़िंदगी को सिम्पल और ईजी रखना चाहिए बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग नाओ कम टू द होमवर्क एज यू नो वेरी वेल यू आर ऑन समर वकेशन कोविड नाइन्टीन इज आल अराउंड एंड नाउ वी हैव प्रजेंटेड दिस एस ए फॉर यू यू हैव टू प्रिपेयर दिस एस ए माई डियर स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी टेक्स्ट जो है उसको आप पढ़ेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि जो मैं स्टोरी आपसे डिस्कस की है और जो सवाल उसके बाद आप जो है सामने आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो आप उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को वहाँ से ख़ुद लिख सकेंगे इन आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कोशिश कीजिए कि टेक्स्ट को ज़रूर पढ़िए और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करिए और उसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी बुक के एंड में लिखा हुआ है कि विकैबलरी दी हुई है तो आपको ये विकैबलरी जो है वो लर्न बाय हार्ट करनी होती है विकैबलरी जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में एम सी क्यूज़ की सूरत में आपके सामने आएगी बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे सेफ़ एंड ब्लास्ट अल्लाह हाफिज़